आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बना लिया था मंत्रिमंडल। चुनाव को लेकर राहुल के करीबी उन्हें करते रहे गुमराह। भारत और म्यांमार की सेना का बॉर्डर पर बड़ा एक्शन। उग्रवादियों के कई ठिकाने किए तबाह। अठारह सांसदों के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किए रामलला के दर्शन। कहा मंदिर तो बनके रहेगा। दिग्विजय सिंह के मिर्ची बाबा की अकल ठिकाने पर। कहा अब नहीं करूंगा राजनीतिक भविष्यवाणी। और इधर शिवराज सिंह का मोहल्ला समितियां तो कांग्रेसी करेंगे कमलनाथ के कामों का बखान। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी के लिए तो यह इतना बड़ा झटका था कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। राहुल को उनके करीबियों ने इतना गुमराह किया कि राहुल को भी कांग्रेस की जीत का भरोसा हो गया था और उस हिसाब से उन्होंने भी मंत्रिमंडल डिजाइन कर लिया था। अब एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी और उनकी टीम को यूपीए की जीत का पूरा भरोसा था। राहुल को बताया गया था कि कांग्रेस 184 सीट जीतेगी। यदि इस आंकड़े में कुछ गलती भी हुई तो 164 सीट पक्की है। इसके बाद राहुल ने मंत्रिमंडल का खाका खींच लिया था। डीएमके नेता एमके स्टेलिन को फोन कर केंद्रीय गृह मंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया था। अखिलेश यादव, शरद पवार, अमर अब्दुल्ला और तेजस्वनी यादव से भी कांग्रेस ने बात कर ली थी और केंद्र सरकार में बड़े मंत्री पद ऑफर कर दिए गए थे। यह सब 21 मई यानी राजीव गांधी की पुण्यतिथि वाले दिन हुआ। बहरहाल 23 मई को जैसे जैसे नतीजे आए, राहुल गांधी और कांग्रेस के अरमानों पर पानी फिर गया। यही कारण है कि अब राहुल गांधी अपनी टीम से बहुत नाराज हैं और किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। संडे गार्जियन ने पॉलिटिकल एडिटर पंकज बोहरा के हवाले से यह जानकारी प्रकाशित की गई है कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया गया था कि नतीजे आने पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। इसके लिए दो लेटर्स बनाकर तैयार कर लिए गए थे जिन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। विजय जुलूस की तैयारियां भी हो गई थी। कुछ बड़े कांग्रेस नेताओं को 24 अकबर रोड स्थित AICC के ऑफिस के बाहर 10,000 लोगों को भीड़ में जुटाने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस मामले में राहुल को सबसे ज्यादा धोखा प्रवीण चक्रवर्ती से मिला जो कांग्रेस का इलेक्शन ऑफिस देखते हैं और पार्टी के लिए डाटा एनालिसिस करते थे। 21 मई को प्रवीण ने राहुल से मुलाकात की थी और कांग्रेस के 184 संभावित विजेताओं की लिस्ट सौंपी थी। इस आंकड़े की दो बार जांच हुई थी। इसके बाद न केवल राहुल बल्कि सोनिया और प्रियंका भी जीत के प्रति आश्वस्त हो गए थे। राहुल ने पहली बार जीत कर आने वाले कांग्रेस के 100 सांसदों की लिस्ट बनाने को कहा था। राहुल ने उन नेताओं की लिस्ट भी बनवाई थी जो हार रहे हैं लेकिन जिन्होंने सरकार में शामिल किया जाना था। भारत और म्यांमार की सेना का बॉर्डर पर बड़ा एक्शन सामने आया है। इन दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके उग्रवादियों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ एक मुहिम को ऑपरेशन सनशाइन 2 नाम दिया है। भारतीय सीमा के अंदर इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के 2 बटालियन के अलावा विशेष सुरक्षा बल असम राइफल्स के जवान इस शस्त्र कार्रवाई में शामिल थे। म्यांमार की सेना की 4 ब्रिगेड भी उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन में शामिल रही। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भारत और म्यांमार ने उग्रवादी संगठनों पर संयुक्त कार्यवाही की। दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी सीमाओं में उग्रवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। कार्रवाई के दौरान भाग रहे उग्रवादियों को पकड़ भी लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ इस मुहिम को ऑपरेशन सनशाइन 2 नाम दिया है। इससे पहले इसी साल 22 से 26 फरवरी के बीच ऑपरेशन सनशाइन
वन चलाया गया था। उस वक्त भारतीय सेना ने भारतीय क्षेत्र के भीतर संदिग्ध अराकान विद्रोही कैंपों में खिलाफ कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सनशाइन 2 के तहत भारतीय सेना ने करीब 70 से 80 उग्रवादियों को पकड़ा है। फिलहाल उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सनशाइन 2 के तहत NSCN के कम से कम 7 से 8 कैंपों के अलावा उल्फा के LO NIFT के ठिकानों को म्यांमार की सेना ने नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने इस कार्रवाई को बेहद कामयाब बताया है। यह ऑपरेशन दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल से अंजाम दिया गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने 18 सांसदों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहाँ पर बार बार आने का मन करता है और अब लगता है कि राम मंदिर तो बनकर रहेगा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे रविवार सुबह विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे। उनके साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। उद्धव ने लोकसभा चुनाव में जीते अपने 18 सांसदों के साथ रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। बकौल उद्धव, उनका बार बार अयोध्या आने का मन करता है। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए और उसके हिसाब से मंदिर बने। इसके बाद भी यदि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई फैसला करती है तो शिवसेना उसके साथ रहेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या जरूरत पड़ेगी तो शिवसैनिक आगे आएंगे और मंदिर बनवाएंगे, तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पर शिवसैनिक ऐसा करेंगे। पिछले साल भी आया था तब कुछ लोगों को ऐसे शायद लगा होगा कि राम मंदिर शिवसेना का चुनावी मुद्दा है, लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस वक्त मैंने नारा दिया था पहले मंदिर फिर सरकार। आज शिवसेना के सारे सांसद यहां मौजूद हैं। कल से लोकसभा का सत्र शुरू होने जाने वाला है और सदन में जाने से पहले शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बात का जो वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। उद्धव ने कहा संसद सत्र शुरू होने से पहले सारे शिवसेना सांसद रामलला का आशीर्वाद लेने यहां आए हैं। उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए शिवसेना राम मंदिर मुद्दे को हवा दे रही है। संसद सत्र से पहले उद्धव का यह बड़ा कदम बताया जा रहा है जिससे राम मंदिर मुद्दा गर्माएगा। बता दें साधु संत पहले ही राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दे चुके हैं। उद्धव ठाकरे पिछले साल नवम्बर में आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। शिवसेना हमेशा से यह कहती रही है कि राम मंदिर उसके लिए एक अहम मुद्दा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का रविवार को विस्तार हो गया और 13 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 10 भाजपा के कोटे से हैं, वहीं शिवसेना के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में RPI के 1, शिवसेना के 2 और BJP के 10 विधायक को मंत्री पद दिया गया। जिन नए चेहरों को शामिल किया गया है उनमें कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल प्रमुख हैं। वे हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। RPI की ओर से वरिष्ठ नेता अविनाश महातेकर ने शपथ ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार देर रात सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। बता दें महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अभी भाजपा शिवसेना की गठबंधन सरकार है। 2014 में भाजपा को 122 तो शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। कांग्रेस 82 तो NCP 41 पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा शिवसेना गठबंधन उत्साहित है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नेहरू नगर स्थित मंडावा बस्ती पहुंचकर बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए मोहल्ला समिति का गठन किया। शिवराज ने कहा कि मोहल्ला समिति का उद्देश्य बस्ती में हो रही आपराधिक घटनाओं पर नजर रखना है। इस बस्ती में एक बेशी दरिंदे ने एक मासूम से दुष्कृत कर उसकी हत्या कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेहरू नगर स्थित मंडावा बस्ती से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने मोहल्ला समिति का भी गठन किया। शिवराज सिंह ने कहा कि मोहल्ला समितियां बस्ती में हो रही आपराधिक घटनाओं और आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर नजर रखेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों मांडवा बस्ती में एक मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शिवराज ने बस्ती में मोहल्ला समिति बनाने की बात कही थी। शिवराज सिंह चौहान ने नशे के कारोबारियों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिसके चलते आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। हम लोग नेहरू नगर में हैं, मोबाइल अड्डे में, ये वही बस्ती है। थोड़ा बचा एक मासूम कि न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। बेटी बचाओ अभियान एक बड़ा सामाजिक आंदोलन भोपाल में बनेगा, ये भोपाल वासियों ने निश्चित किया है और मोहल्ला कमेटियां बनेंगी बेटियों की सुरक्षा के लिए। जो अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि हम जानते हैं शहर के स्तर पर नहीं, मोहल्ले के स्तर पर मोहल्ला कमेटियां अगर बनेंगी, वो मोहल्ले में अगर कोई गड़बड़ गतिविधियां होती है उस पर नजर रखेंगी। कोई ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाता है जो ठीक नहीं है, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगी। शिवराज ने नशे के कारोबार पर कड़ा विरोध जताया, लेकिन वो भूल गए कि मांडवा बस्ती के कुछ ही दूर पर शराब की बड़ी दुकान है, जहां हर वक्त शराबियों का मेला लगा रहता है। लोगों के लाख विरोध के बाद भी इस शराब दुकान को ना तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले शिवराज हटा पाए थे और ना ही कमलनाथ सरकार इस ओर कोई कदम उठा रही है। ऐसे में जाहिर होता है कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। जनसंपर्क एवं विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कमलनाथ सरकार के 6 माह पूरा होने के लेकर कहा कि आचार संहिता के चलते हमें सिर्फ 3 माह ही काम करने के लिए मिले हैं, लेकिन जो दिन मिले हमने उन दिनों में वचन पत्र में किए ज्यादा से ज्यादा वचन पूरे किए हैं। 6 माह पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में विधायक एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष जनता के बीच जाकर सीएम कमलनाथ के कामों और उनके पूरे किए गए वचनों के बारे में बताएंगे। कमलनाथ सरकार के 6 माह पूरे होने को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि 6 माह में हमें सिर्फ 3 माह ही कार्य करने का मौका मिला है, लेकिन सरकार ने इन 3 महीनों में भी अपने वादों को निभाया है। सीएम कमलनाथ ने पद संभालते ही किसान का कर्जा माफ किया। आचार संहिता के चलते जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पाया है, उनका इस महीने के आखिरी तक ऋण माफ हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 55 लाख किसानों का कर्ज माफी नहीं हो जाती। मेरे कंधे पे रखा हुआ है, इतने दिनों में जो भाई वचन नहीं भी दिए तो उन कामों को भी तो पूरा किया, उन सब का ब्यौरा कल 17 जून को पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनके पास जो प्रभार है वो जाएंगे। अगर वो प्रभारी मंत्री वहाँ नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो पहुँचेंगे, वो विधायक के साथ साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके लोग वे पहुँचेंगे। और जो एक धर्म की स्थिति भारतीय जनता पार्टी उनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ये सब लोग जो पैदा कर रहे हैं, इन भ्रांतियों को जिले जिले में पहुँच कर मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के अध्यक्ष ये सब हम बताएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे कि ये काम जो कमलनाथ जी ने जो आश्वासन दिया था, जो वचन दिया था, उस वचन को इस तरह।
कांग्रेस ने बताया कि सीएम ने दिल्ली में भी नीति आयोग की बैठक में किसानों के हित की बात की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की, आयात निर्यात की नीति में संशोधन किए जाने पर भी बल दिया गया। 6 माह पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में विधायक एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष जनता के बीच जाकर सीएम कमलनाथ द्वारा किए कार्यों को जनता के सामने रखेंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जीत की भविष्यवाणी करने वाले मिर्ची बाबा को जल समाधि लेने से रोक दिया गया, जिसके बाद बाबा ने निर्णय लिया कि अब वो राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं किया करेंगे और 20 जून के बाद उन्होंने अन्न त्यागने की घोषणा भी की है। मिर्ची बाबा नाम से मशहूर बैराग्यानंद महाराज को लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के जीत की घोषणा करना महंगा पड़ गया। मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह की हार के बाद जल समाधि लेने का निर्णय लिया था। कलेक्टर के अनुमति ना देने के बाद मिर्ची बाबा जल समाधि लेने भोपाल स्थित बड़ा तालाब पहुंचे, जहां पुलिस और प्रशासन द्वारा उन्हें समाधि लेने से रोक दिया गया। जल समाधि नहीं लिए जाने के बाद बाबा ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से वो कभी राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करेंगे, साथ ही 20 जून के बाद अन्न त्यागने की भी बात कही। मिर्ची बाबा ने कहा, यश अपयश ईश्वर के हाथ में होता है। बाबा ने समाधि के लिए फिर से मुहूर्त निकालने की बात कही। महामंडलेश्वर से निकाले जाने की बात पर बाबा ने कहा कि उन्हें महामंडलेश्वर पद छोड़ने का कोई आदेश नहीं मिला है। मैं इस विषय में इतना कहूँगा, स्वाभाविक करके जो यज्ञ असफल हुआ, परमात्मा की कृपा से आज तक देवी शक्तियों के कोई अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए, यह मेरा मानना है। और आगे एक शब्द और आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्वाभाविक करके जहाँ तक मुझे लगता है जनता जनार्दन का जो भी निर्णय रहा हो उसे मैं सम्मान करता हूँ। यज्ञाद अनुष्ठान की परंपराओं को मैं निभाते हुए जो मेरा संकल्प निष्फल हुआ है उसके लिए मैं जिंदा समाधि लेने के लिए प्रति। जबलपुर की जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो युवकों से भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। माना जा रहा है कि दोनों युवक हवाला की बड़ी रकम लेकर जबलपुर से गुजरात जा रहे थे। जबलपुर की जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए दो युवकों से 21,11,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। जीआरपी को सूचना मिली थी कि दो युवक हवाला की बड़ी रकम लेकर जबलपुर से गुजरात जा रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने स्टेशन में छापामार कार्रवाई की और दोनों युवकों को कैश के सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने खास तरह के कपड़े पहन रखे थे, जिसमें बनी जेबों में उन्होंने 500 और 2000 रुपयों की गड्डियां छुपा रखी थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों के नाम पथुजी ठाकुर और संजय दवे है, जो गुजरात में रहने वाले हैं। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये 21 लाख रुपए लेके ये फत्तू करके हैं, ये जा रहे हैं। जब इनसे पूछताछ की गई फत्तू जी से, तो फत्तू जी के पास बताया गया कि फत्तू जी के पास कोई भी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, गुजरात की बड़ौदा की एक कंपनी है, उस कंपनी का पैसा है। और अब ये पैसा किन परिस्थितियों में कैसे आया, कैसे नहीं आया, कहाँ का पैसा है, क्या है, ये पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और क्योंकि ये 10 लाख से अधिक का है, इसलिए हम लोग इनकम टैक्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो बड़ौदा की एक फर्म रामा भाई मोहन दास के लिए काम करते हैं, जिसकी देश भर में 80 ब्रांचेस हैं। आरोपी 21 लाख रुपए से ज्यादा की इस रकम को जबलपुर से हुए कनेक्शन की राशि बता रहे हैं, लेकिन वो इस रकम का हिसाब नहीं दे पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रकम हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल जीआरपी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ जारी है। मैंने एक तो हिंदी आवड़ती नहीं, एक तो 21 अज्ञा
वडोदरा ऑफिस कंपनी में। संत हिरदाराम नगर के दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के योगदान के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लगभग 200 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। शिक्षकों के योगदान के लिए दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहले दिन वक्ता के रूप में सेना से रिटायर्ड कर्नल नारायण पारवानी एवं दूसरे दिन जीव सेना संस्था के महेश दया रामानी ने अनुशासन एवं उच्च मनोबल द्वारा सकारात्मक वातावरण कैसे बनाए विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले शिक्षक अनुशासित होना चाहिए, तभी वह सभी विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना सिखा सकता है। शिक्षक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विद्यालय का जो लक्ष्य है वह पूरा करे। शिक्षकों को बच्चों में अध्ययन के साथ साथ नैतिक शिक्षा से भी अवगत कराना चाहिए, जिससे बच्चा बड़ों का आदर करे और अपनी क्लास में सही तरह से अध्ययन करे। हर वर्ष की तरह इस वक्त भी दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल में टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए दो दिन का सेमिनार रखा गया था। कल सेमिनार में श्री कर्नल नारायण पारवानी जी आए थे और आज श्री महेश जयरामानी ने टीचर को संबोधित किया। टीचर्स ग्रेड कैसे हो, ये जो है इस प्रकार के आयोजन। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीएड के छात्र बीते एक साल से परीक्षा प्रणाली से परेशान होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। विद्यार्थियों ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान छात्रों को चुनाव में सेवाएं देनी पड़ी और उनको पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिला। परीक्षा एक साथ न करने और पढ़ाई के लिए समय की मांग को लेकर छात्रों ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जबलपुर में रानी दुर्गावती से संबद्ध बीएड के छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली से परेशान होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी, वहीं अब उनके पास परीक्षा की पढ़ाई करने के लिए समय नहीं बचा है। उस पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। जबलपुर में राज्य विज्ञान संस्था में पदस्थ करीब 115 ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। एक्चुअल में क्या है, बीएड का ये वाला सत्र है, ये थोड़ा इनका डिले चल रहा था, तो हमारा ये प्रयास है कि इनका सत्र समय पे पूर्ण हो जाए। पर बीच में चुनाव के कारण ये दोनों गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो बीएड के परीक्षार्थी थे ये चुनाव कार्य में संलग्न रहे, उनको थोड़ा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाया है। अभी महाविद्यालय से भी प्राचार्यों द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, उस पर हम विचार कर रहे हैं, शीघ्र इस बारे में कोई निर्णय लिया जाए। बीएड छात्रों के एक दल ने कुलपति के नाम डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि उन्हें पढ़ने के लिए समय दिया जाए, 18 जून से होने वाली परीक्षाओं की तिथि बढ़ाई जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार आश्वासन देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा कर तिथि को बढ़वाने का प्रयास किया जाएगा। गाडरवारा में रोटरी क्लब ने कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कैंसर शिविर में लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में आए लोगों ने अपने अनुभव शेयर कर कैंसर जैसी बीमारी से बचने के उपाय भी बताए। गरीब एवं वंचित लोगों की बीमारी का सहारा बने रोटरी क्लब ने गाडरवारा में विशाल कैंसर शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। अनुमन कैंसर पीड़ित जागरूकता की कमी के कारण शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को रोटरी क्लब के माध्यम से बताया गया। आयोजन में आई ब्रह्म कुमारी ने बताया कि नियत व्यायाम, शाकाहारी रहने के साथ ही अच्छे विचार एवं आध्यात्मिक रहने से बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। समाज सेवी मृगेंद्र डागा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बीमारियों का इलाज रोटरी क्लब के माध्यम से किया जाता है। देखिए, रोटरी क्लब सेवा के क्षेत्र में लगभग 20-22 साल से गाडरवारा में काम कर रहा है और ये कैंसर का हमारा पांचवा कैंप है और साल में लगभग 4 से 5 मेडिकल कैंप, मिसाल कैंप रोटरी क्लब करता आ रहा है। और निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बहुत ही उम्दा सुविधाएं कैंसर की हैं। केवल जागरूकता की और पेशेंटों को भेजने की जिम्मेदारी रोटरी क्लब लेता है और जो गरीब और असहाय मरीज हैं जो केवल पैसे के कारण कैंसर का इलाज नहीं करा पाते,
रोटरी क्लब ऐसे पेशेंटों को ढूंढता है और ढूंढकर उन्हें अगर आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है तो उनकी आर्थिक मदद करके जबलपुर तक पहुंचाने का काम हमारा रहता है। उसके बाद जितना भी इलाज है वो शासन की योजनाओं के द्वारा, चाहे वो 10 से 15 लाख का भी खर्च है, तो उस पूरी योजना का लाभ शासन की कैंसर की जो योजना है उसमें मरीज को मिलता है। जबलपुर से आई डॉक्टरों की टीम ने बताया कि आज के समय में कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है बल्कि इसका इलाज संभव है। लोगों को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बीमारी के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिविर में पहुंची बुजुर्ग महिला ने बताया कि वे कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन सही समय पर इलाज और उपचार मिलने से आज उन्हें इस बीमारी से निजात मिल गई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी तमाम प्रकार की सुविधाएं, क्योंकि कैंसर का उपचार एक टीम वर्क होता है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर विशेषज्ञ टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है, पैथोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सपोर्टिव केयर, सर्जिकल केयर, तो ये सभी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, पैलिएटिव केयर की व्यवस्था है, सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, तूफान उफान शुरू हो गए, बता रही हूँ, अपने टीन टप्पर संभाल के रखो। हाँ, वो वायु तूफान बड़ा खतरनाक किस्म का आ रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हाँ, और गुजरात पे आ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरे को अभी खबर मिली है कि वो कि मोदी जी से मिलने आया था, वहाँ से टर्न मार रहा है, मतलब खतरा कुछ कम हो रहा है। हाँ, और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान से जब भी कोई चीज़ आती, मैं बता रहा हूँ, वो आफत ही आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल का गुबार उड़ रहा है और वो ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ये तो चल रहा है। और उधर देखो, बंगाल की खाड़ी में वहाँ भी ये तूफान उठा हुआ है, ममता बनर्जी नाम का। वो भाजपा कार्यकर्ताओं की ये पिटाई वगैरह चल रही है, आंसू गैस के गोले गोले छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है, उसको भी संभालना पड़ेगा। और ये खबर ये देख लो, राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए शरीर पे है ना मिट्टी वगैरह लपेट रहे लोग। और बता रहे हो, मिट्टी है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको लपेटोगे तो उससे क्या है, हीट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। हाँ, ये पुरानी चीज़ें हैं ये। और आजकल तो लोग, मैंने देखा कॉलोनियों में है ना, जो भी मिट्टी होती है उसको भी ये खरिंजा जड़वा रहे हैं वहाँ। और मैं बता रही हूँ, इतनी गर्मी हो जाएगी, मिट्टी रहती है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, हीट रिफ्लेक्ट, हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, गर्मी कम करता है। ये तो चल रहा है बता। और ये खबर उत्तर प्रदेश की देख लो, वो पत्रकार महोदय वो ट्रेन हादसा कवरेज करने गए, उनकी पुलिस वालों ने वहाँ पिटाई लगा दी। बताओ, ये भैया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका सम्मान करो, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है। तो ये खबर और देख लो आप, लंदन से बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। विजय माल्या और नीरव मोदी, इनकी तैयारी चल रही है इंडिया आने के लिए। इनका जो मुंबई में जो जेल है, आर्थर जेल, जिसमें उनके कमरे वमरे बनने, साफ सफाई शुरू हो गई, बता रहा हूँ। हाँ, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, इनके दर्शन होंगे। हाँ, ये खबर ये देखो, इंदौर से खबर आ रही है, वहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा था, अमेरिकन लोगों को मूर्ख बना रहे थे वहाँ बैठ के, बताओ। और मैं तो अभी, मेरे पास जो कॉल वॉल आते थे अमेरिका से, तो मैं डरता था ये मूर्ख बना रहे हैं अमेरिका वाले, इधर कॉल आ रहा है मेरे पास, कभी एक खाता बताओ, नंबर बताओ, ये बताओ। वही अब लेकर हमारे इंडिया वाले भी काम नहीं है, यहीं बैठे बैठे अमेरिका वालों को काम लगा दिए, बताओ। ये तो चल रहा है। हाँ, वही ट्रंप भाई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि भैया जो किम जोंग है, उन्होंने बहुत अच्छा खत लिखा है अपने फ्रेंड को। अब बता रहे हो, किम जोंग इतना खोखर आदमी, वो भी अच्छा खत लिखेगा? ये कभी आदमी के दिल में भी जगह होती है, हो सकता है अच्छी बातें लिखें कभी। और ये खबर देखो, इंडिया से अभी 15 जुलाई को है ना चंद्रयान 2 लॉन्च हो रही है। हाँ, चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, और चंद्रमा पे पहुंच के आ रहे हैं। मेरे पास कुछ नेताओं का फोन आ गए, वो बोले भैया जर्जर भाई, ये बताओ वहाँ प्लॉट वगैरह कट रहे हैं क्या? या तो पृथ्वी पे बहुत गर्मी पड़ रही है, हम वहीं रहेंगे, वहाँ पे ठंडक होगी। हाँ, और ये खबर ये देखो, रतलाम रेल मंडल जो है वो चलती ट्रेनों में मसाज करवाएगा, जो यात्री थक जाते हैं भैया, ट्रेन में थकान हो जाती है, उनकी मसाज करवाएगा, बता रहे हो। इस पे लेके नहीं है ना, वहाँ के जो सांसद हैं इंदौर के, शंकर लालवानी जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, बोले ये तो गलत चीज़ है, ट्रेन में महिलाएं होती हैं, उनके सामने ये मसाज वसाज करवाओ क्या, ये गलत चीज़ है, संविधान के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ अलग से कंपार्टमेंट वगैरह बना दो, वहाँ करवाओ, उसमें क्या है। अभी अभी देखो खबरें आ रही थी ना कि ट्रेन में लू से इतने लोग मर गए, अरे तो आदमी को थकान तो होती है। हाँ, और मैं भी भैया थक गया हूँ, न्यूज पढ़ते पढ़ते मैं भी मसाज करवाने जा रही हूँ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।